नमस्कार दोस्तों, मेरी इस प्राकृतिक रसोई में आज आपका स्वागत है। आज मैं आपको पार्ले जी बिस्किट से केक बनाना बताऊंगी, जो कि बहुत ही आसान तरीके से बनाना है। ना बेक करना है इसको, आपको खाली व्हिपिंग क्रीम से ही व्हिप करके इस केक को पूरी तरह से बनाना है। अगर आपको चॉकलेट गनाज बना के डालना है तो बस उसी के लिए गैस जलानी है, बाकी और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। इसको बच्चे भी आराम से बना सकते हैं, जो बिगनर्स हैं वो तो बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। कभी किसी किसी का बेकिंग में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, तो बेक करने के झंझट से आप बच सकते हैं। तो चलिए मैं आपको पार्ले जी बिस्किट से चॉकलेट केक बनाना बताती हूँ, जो कि बनाना बहुत आसान है। तो हम इसको शुरू करते हैं बनाना। सबसे पहले हम ये कोई भी कंपनी की आप व्हिपिंग क्रीम ले लीजिए, अच्छी कंपनी की। ये मैंने 200 मिलीग्राम व्हिपिंग क्रीम है, जो कि बिल्कुल चिल्ड है। आप इसको फ्रीजर में रखे रहिएगा, जब आपको व्हिप करनी हो तभी इसको निकालिएगा। मैं इसको डालूंगी और इसको व्हिप करेंगे। हमारी क्रीम व्हिप हो चुकी है। आप व्हिप हो गई है ये जानने के लिए आप देखिए, आप इसको उल्टा करेंगे भगोने को इस तरीके से, तो क्रीम गिरनी नहीं चाहिए। तो ये व्हिप हो गई है, तो आप इस तरीके से नीचे किसी बर्तन में आइस क्यूब डाल लीजिएगा और उसके ऊपर आप जिस भी बर्तन में व्हिप करें क्रीम को उसके ऊपर रख लीजिएगा, तो आपकी क्रीम अच्छी बनी रहेगी। अब हम इसके अंदर ये 2 चम्मच कोको पाउडर मिला देंगे। मेरी क्रीम मीठी है इसलिए मैंने इसमें शुगर का इस्तेमाल नहीं किया है। अगर आपकी क्रीम में मीठा नहीं पड़ा है तो आप पिसी हुई चीनी इसके अंदर डाल सकते हैं। और इसमें मैं 1 चम्मच कॉफ़ी पाउडर भी डालूंगी। कॉफ़ी पाउडर डालने से चॉकलेट का टेस्ट बहुत अच्छा आता है, वो ऑप्शनल है। आप इसमें कॉफ़ी पाउडर भी डाल सकते हैं, पिघला के चॉकलेट भी डाल सकते हैं, कोको पाउडर भी डाल सकते हैं। कॉफ़ी पाउडर और कोको पाउडर डालने के बाद एक बार अच्छे से क्रीम में इसको ऐसे मिला लीजिएगा, उसके बाद ग्राइंडर को चलाइएगा, नहीं तो वो पाउडर उड़ने लगेगा। तो हम इसको पहले अच्छे से मिला लेंगे, उसके बाद ग्राइंडर का इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले इस तरह का गिलास ले लीजिए और इस तरह से पाइपिंग बैग, इसमें आप कोई भी नोजल डाल दीजिए जिससे आपको डेकोरेशन करना हो, और इसको इस गिलास में डाल के इसमें हम पहले क्रीम भर लेंगे। अब हम केक बनाना शुरू करते हैं। केक बनाने के लिए मैंने इस तरीके का आपको बाजार में आसानी से बेस मिल जाता है, तो अब हम शुरू करते हैं। हम सबसे पहले इस बेस के ऊपर हमको कितना बड़ा वो केक बनाना है उसके हिसाब से मैं थोड़ा सा क्रीम डाल के इसको फैला लूँगी, ताकि हमारा बिस्किट इधर उधर भागे ना, चिपक जाए इसके अंदर। अब हम इस तरीके से बिस्किट को इस क्रीम के ऊपर इस तरह से रखते जाएंगे। आपको जितना चौड़ा और जितना ऊंचा केक बनाना है उस तरीके से आप बिस्किट को यहाँ पे रख दीजिए। मैं ये 4-4 का बना रही हूँ, आप अपने हिसाब से कितना बड़ा और कितना छोटा बनाना है उस हिसाब से इसको रख लीजिए। अब चाहे तो आप इस पाइपिंग बैग से ही इस पे क्रीम डाल लीजिए, या आप चाहें तो स्पून का भी इस्तेमाल इस तरीके से कर सकते हैं और इसको इसके ऊपर पूरी क्रीम फैला दीजिए। अच्छे से पूरी क्रीम हम अच्छे से क्रीम फैलाएंगे, लगा लगा के थोड़ा मोटा लेयर फैलाएंगे इसके ऊपर। एक लेयर हमने इस तरीके से बिछा दिया, अब हम दूसरी लेयर भी इसी के ऊपर इसी तरीके से बिछा देंगे, एक के ऊपर एक बिस्किट को इसी तरह रखते जाएंगे। इस तरीके से बिछाने के बाद हम दोबारा फिर से इसके ऊपर एक लेयर क्रीम की और बिछा देंगे, और इसी तरीके से हम आपको जितना ऊंचा केक बनाना है उतना आप इसको बिछाते जाइए और उसके ऊपर ये क्रीम की लेयर बनाते जाइए। आप देख सकते हैं छोटा सा पार्ले जी केक आराम से अच्छे से बन के तैयार हो गया। इसमें मैंने 5 लेयर बिस्किट डाला है और चारों तरफ से देखिए क्रीम से मैंने कवर कर लिया है। अगर आपकी क्रीम एक्स्ट्रा बेस के ऊपर लगी हो तो आप इस तरीके से टिश्यू पेपर लेके आप इसको टिश्यू पेपर से हटा सकते हैं। इसको हटा देंगे तो देखने में अच्छा लगता है। और कुछ ट्रिक्स आपको बताती हूँ। अगर आपकी क्रीम व्हिप करते समय जब आप उसमें कोको पाउडर और कॉफ़ी पाउडर मिलाते हैं तो अगर वो मॉइस्चर सोख लेती है, कोको पाउडर और कॉफ़ी पाउडर जो है थोड़ा मॉइस्चर सोखता है, तो उसमें आप 2-3 चम्मच ठंडा दूध डाल सकते हैं। आप इसको फ्रिज में सेट होने के लिए रख देंगे और हम चॉकलेट को पिघलाएंगे।
इसके ऊपर डालने के लिए। अगर आप चॉकलेट पसंद करते हैं तो चॉकलेट पिघलाकर इसके ऊपर जब डालेंगे तो वो एक चॉकलेटी फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। तो चलिए हम इसको फ्रिज में रख के चॉकलेट पिघलाते हैं। चॉकलेट ग्रनाज बनाने के लिए आप इस तरीके से एक भगोने में पानी, थोड़ा सा पानी आप रखिए, बहुत ज़्यादा पानी नहीं रखना है, और दूसरे डोंगे में आप चॉकलेट रखिए। चाहे तो आप मिल्क चॉकलेट रखिए या डार्क चॉकलेट रखिए, जो भी आपके बच्चे को पसंद हो आप उस चॉकलेट को मेल्ट करिए। तो हम इतना ही पानी रहेगा कि ये जो बाउल है ये पानी को टच ना करे, और जिस बर्तन में आप चॉकलेट रख रहे हैं वो बर्तन बिल्कुल सूखा होना चाहिए और चम्मच भी सूखी होनी चाहिए, गैस को फ्लेम तेज नहीं होनी चाहिए, और इसको चलाते रहिए, ये मेल्ट हो जाएगी। अब हम गैस बंद कर देंगे और हमारी चॉकलेट देखिए इस तरीके से अच्छे से पिघल गई है, और जो थोड़ा बहुत इसके अंदर रह गया है वो अपने आप इसी भाप में पिघल जाएगा। ये देखिए इस तरीके की चॉकलेट हमारी पिघल के तैयार होनी चाहिए। अब इस पिघली हुई चॉकलेट को हम इस केक के ऊपर इस तरीके से डाल देंगे। आप चाहें तो डेकोरेशन के लिए इस तरीके से टपकती हुई चॉकलेट को भी रख सकते हैं, आप चाहें तो साइड में भी चॉकलेट को अच्छे से कवर कर सकते हैं। तो आपको जैसा डेकोरेशन करना हो, आपकी जैसी इच्छा हो, आप अपने केक को उस तरीके से डेकोरेट कर सकते हैं। अब हम इसको थोड़ी देर के लिए फ्रिज में सेट होने के लिए रख देंगे। चॉकलेट ठंडी होने के बाद वो जम जाती है बहुत आसानी से, नीचे गिरे हुए जो साइड में गिरे हुए चॉकलेट हैं उनको आप बहुत ही आसानी से इस तरह से निकाल के रख लीजिए। आप बाद में बच्चों को दे सकते हैं खाने के लिए, या फिर आपको कुछ और बनाना है तो आप इसको मेल्ट करके बना सकते हैं। इस तरीके से साइड की सारी चॉकलेट हमने साफ कर ली है। हमने ये पाइपिंग बैग में जो पहले से क्रीम डाल के रखी थी और इसका नोजल जो मैंने लगा के रखा था, उससे आप अच्छे से मन चाहे तरीके से आप डेकोरेट कर सकते हैं। तो हम इसको इस तरीके से डेकोरेट करेंगे। आधे में इस तरीके से डिज़ाइन आप बना लीजिए, और नीचे की तरफ भी अगर आपके पास क्रीम बची हुई है तो आप इस तरीके से डिज़ाइन बना सकते हैं। ये जो हमने छोटे छोटे साइड से निकाल के चॉकलेट रखी थी, इससे आप डेकोरेशन भी कर सकते हैं, ऐसे भी बच्चों को दे सकते हैं। तो मैं कुछ चॉकलेट्स का आप डेकोरेट करके बताती हूँ आपको। ये देखिए एक तो मैंने इस तरह से लगा दी है, दूसरी भी आप इस तरीके से लगा दीजिए, और छोटी छोटी चॉकलेट्स को आप इसी तरीके से क्रीम के ऊपर ऐसे लगा दीजिए। ये बहुत अच्छी लगती है देखने में, और बच्चे इसको निकाल के खाते भी बहुत मन से हैं। ये पूरी तरह से डेकोरेट होकर अभी तैयार हो गया है हमारा केक। ये जो पोर्शन खाली बचा हुआ है, आप इसके अंदर व्हाइट चॉकलेट को, जिस तरीके से मैंने ये डार्क चॉकलेट को पिघलाया है, उसी तरीके से उसको पिघला के आप पाइपिंग बैग में डाल के, जैसे मेहंदी का कोन बनाते हैं पतला सा, उसी तरीके से उसको काट के आप जिस भी जिसका भी बर्थडे लिखना हो, जिसका भी नाम लिखना हो, वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। इस तरीके से आपके का केक घर में बहुत आसानी से बन के तैयार हो जाएगा, और खाने में भी बहुत टेस्टी लगता है। मैं इसको आपको कट करके दिखाती हूँ। अब देखिए इसमें किस तरीके से लेयर बाय लेयर हमारी बिस्किट और क्रीम का जो कॉम्बिनेशन है बहुत अच्छे से आया है। आप इस मैं इसको आपको फोक से भी निकाल के दिखाती हूँ। बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही प्यारा केक बनकर तैयार हुआ है, और बहुत ही टेस्टी बनता है ये।
आप इस तरीके से घर में जरूर बनाइए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और अपने दोस्तों में इसको शेयर भी करिएगा। बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए। जब तक मैं नई वीडियो लेकर आती हूँ, तब तक के लिए नमस्कार।